सपना, पापा का ब्लेजर कहाँ है? अरे रखा होगा कहीं, पापा अपनी चीजें जगह पे रखते कहाँ हैं? अरे यार ले आओ जरा, देखो वहीं अलमारी में रखा होगा। क्या हुआ बेटा, मेरा ब्लेजर तुझे क्यों चाहिए? तेरे पास तो इतने कोट्स हैं, सूट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, उनको पहन कर जा। मेरे पुराने ब्लेजर का तू क्या करेगा? ये लो, क्या करोगे अब इसका? तुम अपना ब्लेजर पहन के चलो ना। अरे बताता हूँ पापा, आप ये पहनो। क्यों बेटा, कहीं चलना है क्या? अरे आप पहले पहनो तो सही। स्मार्ट लग रहे हो पापा, एकदम बॉस जैसे लग रहे हो। अरे बेटा अब बॉस कहाँ, आप तो रिटायर आ गई हो। हाँ जब बॉस था ना तब बड़ा सूटेड पुटेड ब्लेजर्स कोट्स पहन के जाया करता था। ये तुम जैसे नौजवानों की तरह से नहीं किए, बस जीन्स चढ़ा ली, टी शर्ट पहनी और चल दी ऑफिस। बेटा ऑफिस जाओ ना तो ऑफिस की ड्रेस में ही जाओ, उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बना रहता है। एकदम सही बात पापा, अब आज के बाद आप इसी ड्रेस में ब्लेजर पहन के ऑफिस जाएंगे। ऑफिस? मतलब कि तेरे ऑफिस में मैं अब नौकरी करूंगा? पहेलिया क्यों बुझा रहे हो गुड्डू, साफ साफ बताओ ना क्या है, कंफ्यूज करके रखा है पापा को भी और मुझे भी। बताता हूं पापा, इस पे साइन करो आप। क्या है ये? अरे साइन करिए ना, मुझ पे भरोसा नहीं है। करिए। पापा मैं आपको आपका ये घर, आपकी ऑफिस, आपकी फैक्ट्री सब कुछ वापस कर रहा हूं, ये उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या बेटा, मतलब तू कहीं जा रहा है, तू मेरे साथ नहीं रहेगा? मुझसे कोई गलती हुई क्या बेटा? हाँ पापा, आपसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने आपका घर, ऑफिस, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने बेटे और बहू के नाम पर कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। आपने ये भी नहीं सोचा कि स्वार्थी दुनिया में बेटे और बहू भी पैसे के लालची हो सकते हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तब वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे, खुद तो खाएंगे मटर पनीर और आपके लिए रहेगा कद्दू की सब्जी और सूखी सूखी रोटी। अरे सपना, वो मेरी टेबल पे पिंक कलर की फाइल रखी है, दे दो। मिस्टर मेहता की फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। पापा कब से चल रहा है ये सब? अरे छोड़ ना बेटा, अब इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दूंगा तो मेरी आगे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। नहीं पापा, आज के बाद आपकी जिंदगी और बेहतर होगी। आज के बाद आप वापस इस घर के, फैक्ट्री के, कंपनी के बॉस होंगे और मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर मैनेजर की हैसियत से नौकरी करूंगा। सीनियर मैनेजर की हैसियत से नहीं, क्योंकि मिस्टर सिंह जो हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं वो बहुत काबिल आदमी है, और अगर किसी को उसकी काबिलियत और औकात से ज्यादा मिल जाए तो अपनी औकात दिखाने लगता है। आज के बाद हर चीज पर आपका ही अधिकार होगा, जो आप हमारे लिए डिसाइड करेंगे हमको वो मानना पड़ेगा, और जिसको उसे मानने में प्रॉब्लम है वो अपना कुछ इंतजाम कर सकता है। बहू मुझे माफ कर दीजिए पापा, पता नहीं कैसे मैं आपके साथ इतना मिसबिहेव करती रही, अब चुपचाप सब कुछ सहते रहे पापा बिना कुछ कहे, हो सके तो मुझे माफ कर दो।
तू भी तो मेरी बेटी ही है, और जब छोटे कोई गलती करते हैं तो बड़ों को चाहिए बड़प्पन दिखाए और जितना हो सके उसे नजरअंदाज करते। एक बात कहूं बहू, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत करेगा वो अपनी पत्नी और बच्चों को कभी दुख नहीं देगा, क्योंकि उसके संस्कार में दुख देना ही नहीं है। और बेटा मुझे गर्व है कि मैंने इसको ऐसे संस्कार दिए। शाबाश शाबाश। बस पापा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना। बिल्कुल मत जाना बेटा, बताओ कैसा आदमी है, कभी पत्नी को टहलाने नहीं ले जा सकता है। अरे आजकल तो लोग कुत्ते को भी टहलाने ले जाते हैं भाई। हाँ, अरे कभी होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा सका, जबकि आजकल तो लोग रील बनाने के चक्कर में भिखारी को भी होटल ले जाकर खाना खिला देते हैं। सिनेमा नहीं दिखा सकता है बताओ, जबकि सिनेमा वाले आजकल फ्री में टिकट बांट रहे हैं। बहुत नालायक आदमी है भाई, हमको पता नहीं था उसके बारे में। बेटा हमको तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, शहर में अपना घर है, गाड़ी है, उसकी नौकरी सरकारी है, हैं? बेटी के तो हमारे भाग खुल जाएंगे, हमको तो पता ही नहीं था इतना लीचड़ आदमी है। बताओ हमारी फूल जैसी बेटी की क्या हालत कर दी है। अरे पापा, ज्वाइंट फैमिली के नाम पे पूरा गांव बसा रखा है, सास ससुर देवर जेठानी, अरे सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो, मैं नहीं जा रही बस। अरे बेटा, तो वहाँ काम वाली तो आती है ना? हाँ माँ, नौकरानी लगी है, लेकिन उसको भी तो बताने में मेहनत लगती है माँ, समझिए। हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ वकील साहब, ऐसा है, हमको हमारी बेटी का करवाना है तलाक, तो दहेज वाला मुकदमा लगाओ और कागज तैयार कराओ। अरे उसमें लिखो कि शादी के समय उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था, हालांकि मांगा तो नहीं था, हमने गिफ्ट में दिया था। लेकिन अभी तुम डालो कि उन्होंने जबरदस्ती हमसे बुलेट दहेज में मांगा था, कैश पैसा मांगा था, वो भी हमने कर्जा लेके दिया, और फिर से वो हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैश लेकर आओ, कार लेकर आओ, और हमारी बेटी को घर से भगा दिया है। हमारी बेटी के साथ मारपीट करता है, वो बहुत मारता है, बेल्टर बेल्ट मारता है। अरे हाँ मारता है भाई, मारता है ना? हाँ मारता है, मारता है। देखो बेटी भी कह रही है कि मारता है, और कोर्ट में भी जाके वो बोलेगी कि इसके साथ बहुत मार पिटाई करते हैं उसके ससुराल वाले सब। ऐसा है, सबका नाम डालो, पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ननद, नंदोई, सबको डालो कि मैं जेल में चक्की बिछवाऊंगा, ठीक है? हाँ बनवाओ कागज पत्र सब। जय हिंद। पापा क्या है ये सब? क्या? अरे बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक नहीं होगा फिर। अरे बेटा जो कर रहा हूँ सब तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ। हाँ लेकिन पापा झूठ बोलकर, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। अच्छा तो घर छोड़कर क्यों आई है? अरे पापा वो आदमी बहुत नीरस है ना, कहीं घुमाता है ना फिराता है, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, बस परिवार के पीछे पगला गया है, क्या बताएं हम। अरे बेटा लेकिन ऐसे बातों के लिए कोर्ट तलाक थोड़ी ना देगा इतनी जल्दी, तो फिर गंभीर धारा लगानी पड़ेगी ना, तू समझा कर। रुको, हेलो मेहता साहब, जय सियाराम। अच्छा मेहता साहब एक काम है आपसे भाई, देखो हमारी बेटी है ना मन्नू, उसका तलाक होने वाला है, ठीक है? तो अब वो अपने पति के साथ रहेगी नहीं, तो उसको एक नौकरी चाहिए, आप अपनी कंपनी में उसको नौकरी दे दीजिए। अरे ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, बैक ऑफिस संभाल लेगी आपका। हाँ हाँ चलेगा, सैलरी 10-12 हजार, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ कह रही है कि चलेगा। हाँ और वहीं आपके स्टाफ क्वार्टर में रह भी लेगी। अच्छा हाँ, आप क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी। अरे बेचारी देखो क्या है कि अभी पति से अलग रहेगी, तो टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए ना, एंगेज रहे, नौकरी करेगी, अपने हिसाब से दुनिया देखेगी, जहां मन चाहेगा जाएगी, जहां मन चाहेगा जो चाहेगा खाएगी। हाँ हाँ, तो कल मैं उसको इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ, पक्का है, ठीक है? हाँ पापा। बेटा अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो तुम खाओगी क्या, रहोगी कहाँ, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना फिर तलाक के बाद। अरे पापा मैं यहाँ रहूंगी ना, आप नहीं खिला सकते क्या मुझे? बेटा कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को पूरी जिंदगी बैठा के नहीं खिलाता है, और जो खिलाता है ना वो अपनी बेटी के प्रति अन्याय करता है, अन्याय।
अब रही बात इस घर की, तो ये घर ना अब तेरे भैया भाभी का है, और जब तू अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती है तो तेरे भैया भाभी कैसे रहेंगे, ये बता दे तू। इसीलिए हम तेरा तलाक करवा देंगे, फिर तेरी नौकरी लगवा देंगे, छोटी बड़ी कोई भी, 10-12-15 हज़ार मिल जाएगा, तेरे रहने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, और फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी दोबारा शादी करवा देंगे। और सुनो जी, ऐसे लड़की से शादी करवाना जिसके घर परिवार में कोई ना, तो मर गए हो या फिर कहीं दूर रहते हो। हाँ, और हाँ, काम धंधा तो बिल्कुल ना करता हो, ताकि पूरा टाइम ना वो मेरी बेटी को दे सके। मन्नू बेटा, तू हमारे फैसले से खुश नहीं है, क्या हुआ? बेटा, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो अभी तेरे सामने आई है। अपना बसा बसाया घर तोड़कर कोई भी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती है। मैं भी पहले बहुत नीरस हुआ करता था। अरे शादी के 3 साल तक तो मैं तेरी मां को कहीं घुमाने लेकर गया ही नहीं, बस नौकरी नौकरी ऑफिस। लेकिन तेरी मां ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझसे तलाक तो नहीं ले लिया, मायके वापस तो नहीं चली गई। नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी जिंदगी में अपने प्यार के रंग भरना शुरू किया। टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन हो गई। समय लगता है बेटा, तू भी अपने पति की जिंदगी में रंग भरना शुरू कर। खुशकिस्मत है तू कि तेरा पति अपने परिवार पर ध्यान देता है, वरना ज्यादातर पत्नियों की तो शिकायत यही रहती है कि पति अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तेरी दोबारा शादी तो करवा देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा तुझे तेरे मन माफिक पति मिलेगा ही? बेटा, कभी किसी को कोई जीवन साथी मन माफिक नहीं मिलता, जो मिलता है उसको मन माफिक बनाना पड़ता है। मन्नू, इस घर में तेरा हमेशा स्वागत है, लेकिन कब? जब तू अपने पति के साथ आएगी या उससे पूछ कर आएगी, लड़कर नहीं। अगर तू उससे लड़कर आएगी, उससे बिना बताए आएगी, तो सिर्फ यही घर के दरवाजे नहीं, दुनिया के हर दरवाजे तुझे बंद मिलेंगे। एक माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं, फिर उसकी शादी करें, उसका घर बसाएं, और ऐसे हालातों में उसका घर भी टूटने से बचाएं, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। आपने जिंदगी का ये जो दूसरा पहलू मुझे दिखाया है ना, इससे मुझे पता चला है कि मैं कितनी खुशनसीब हूं, मैं कितने खुशहाल परिवार में हूं, कितने नेक इंसान से मेरी शादी हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। दोस्तों, माता जी बीमार है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार नाच गाना कर रहा है, और मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा परिवार हर किसी को मिले। आइए देखते हैं क्यों। यह एकमात्र वीडियो नहीं है, बल्कि समाज में रह रहे हर उस इंसान के लिए एक सबसे बड़ी सीख है जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े होने पे उनको कष्ट देते हैं और किसी तरीके का कोई सेवा नहीं करते हैं। इस परिवार का यह वीडियो मैंने फेसबुक पे देखा था और मैं झट से उनके पास चला गया कि आपके सहयोग से मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। पूरा परिवार कैसे माता जी की सेवा में लगा हुआ है, हमारी जिंदगी से निकल चुका है। यह अनोखा परिवार हजारीबाग झारखंड से है और इनकी माताजी पिछले 5-6 दिनों से बीमार हैं, अब तक की कंडीशन में थी, लेकिन इन्होंने घर का माहौल इतना खुशनुमा बना दिया और माताजी को हॉस्पिटल में न एडमिट करके घर में ही डॉक्टर बुलाकर दिखलाने का फैसला किया,
और सुबह शाम ये लोग हर समय एक पैर पे खड़े होते हैं, माता जी की ऐसे ही सेवा करते हैं, उनको भजन सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। और सबसे खास बात, परिवार का हर सदस्य माता के सामने होता है, उनको यह देख करके जो सुकून मिल रहा होता है, दोस्तों आप लोग खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। परिवार माता जी को खुश रखने और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, लोग बिल्कुल उनके आजू बाजू ही बैठे हैं। और खुशी की बात ये है कि माँ ये सब देख करके बहुत ही खुश हो रही हैं और उनकी तबीयत में अब सुधार भी आ रहा है। मार्मिक और हृदय स्पर्शी यह वीडियो आपके दिल को भी जरूर छुआ होगा, जैसा कि इसने मेरे दिल को छुआ था। और सामने का माहौल मैं बयान नहीं कर सकता दोस्तों, परिवार से अनुमति लेकर के मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि मैं समाज में एक संदेश दे सकूं। और वीडियो के माध्यम से आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं कि मैं क्या पहुँचाना चाह रहा था आप लोग तक। माता जी को इस वक्त दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है, दिल से दुआ दीजिए और सब लोग अच्छे से रहिए। हेलो, हाँ सुन, तुझे एक फोटो भेजी है, उसकी पूरी डिटेल निकाल के मुझे भेज। भाई साहब। हाँ भैया। भाई साहब मेरी एक हेल्प कर देंगे आप? क्या हुआ? भाई साहब अभी मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो एक स्नैचर मेरा बैग, मेरा फोन सब छीन के भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा किससे हेल्प लूं, यह सारी सोसाइटी में कोई दिख ही नहीं रहा, आप अकेले इंसान दिखे हो। एक कॉल कर सकता हूँ आपके फोन से? मेरा फोन? अब भैया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको नंबर बता देता हूँ ना, आप मिला लो। सीरियसली भैया, यहाँ से आ रहा था, प्रॉब्लम हो गई है, वरना मैं नहीं बोलता। नंबर बोलो। 6698484752 3। रिंग जा रही है। हाँ जी भैया, एक मिनट। हेलो, हाँ सुनो यार, रास्ते में ना अभी मेरा फोन चोरी हो गया। अरे नहीं यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये तो एक भले मानुस मिल गए, इन्हीं के फोन से कॉल कर रहा हूँ। टाइम 10:37 हो रहे हैं अभी तो। अच्छा सुनना यार, मैं ना वो पीछे साइड वाली रोड पर हूँ, वो बंगला नंबर है ना, उसका क्या नाम है, अरे 1719। हाँ उस वाले बंगले, 1719 वाले बंगले पे तू मुझे मिल जा। ठीक है ठीक है। भाई साहब, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं भैया। प्रीति जरा पानी लाना। ₹80,000?
ये लो पानी। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? यार मेरे अकाउंट से 80,000 रुपए डेबिट हुए। तुमने निकाला है क्या? 80,000 रुपए? नहीं नहीं, मैंने नहीं निकाले। और मैं भला 80,000 रुपए का क्या करूंगी? यार सच बताओ यार, घर में तो पड़ा रहता है मेरा डेबिट कार्ड। यार अगर तुमने लिए तो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं क्यों निकालूंगी पैसे? और भला 80,000 रुपए का मेरे को क्या काम होगा? यार बात तो तुम सही कह रही हो, मैंने रेंट भी दे ही दिया है, फिर 80,000 रुपए यार कहाँ चले गए? सर मैंने आपकी रिपोर्ट तो लिख ली है और साइबर टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये 80,000 रुपए गए कहाँ? आपको इसका कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता मैम ने खर्च किए हो या फिर कोई EMI वगैरह कटी हो। नहीं सर, मैंने इनसे भी पूछ लिया, इन्होंने भी कहीं नहीं पे किया और मैंने भी कोई EMI पे नहीं करी है। और 80,000 रुपए की EMI कौन पे करता है सर? हाँ ये बात तो है, पर सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, ये अमाउंट कटने से पहले क्या आपके साथ कुछ अलग या कुछ अजीब हुआ था? नहीं सर, ऐसा कोई अजीब तो नहीं हुआ। जस्ट मैं ऑफिस गया, ऑफिस से आने के बाद मैं घर पे आया, बैग खोल रहा था, मैंने पानी के लिए पूछा तो इतने में मैंने देखा मैसेज कि अमाउंट कट गया। बस रास्ते में आते वक्त मैंने एक आदमी की हेल्प करी थी, उसका फोन और पर्स चोरी हो गया था, तो बस वही। क्या कहा आपने, आपने एक आदमी की हेल्प करी थी? हाँ। क्या आप उसे जानते थे? नहीं, वो ऐसे रास्ते मुझे मिला था। तो सर वो फोन आपने ही किया था? हाँ सर, वो मैंने खुद ही फोन किया था। मुझे पता है कि आज के डेट में फ्रॉड्स होते हैं, मुझे पता है कि लोग फॉरवर्डिंग पर अपना कॉल लगा के और चले जाते हैं, मैंने इसीलिए खुद नंबर डायल करके उसको दिया था। अच्छा सर, मैं आपका फोन देख सकता हूँ एक बार? हाँ। थैंक यू सर। सर ये अमाउंट डिडक्ट होने से पहले आपके पास एक OTP आया हुआ है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? OTP? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। सर याद करने की कोशिश कीजिए, लगभग 4 बजे के आसपास ही आपको मैसेज आया। 4 बजे? अरे हाँ, उस वक्त मैं ऑफिस से रिटर्न आ रहा था और 4 बजे करीब ही तो मुझे आदमी मिला था। सर पक्का उसने कुछ गड़बड़ की होगी? नहीं सर, मैंने उसे खुद फोन मिला कर दिया था, वो कैसे गड़बड़ कर सकता है? सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, ये OTP आया 1719, क्या उसने किसी को बताया था? एक मिनट, 1719? सर ये तो वो उसका मकान नंबर था। अच्छा सुनना यार, मैं ना वो पीछे साइड वाली रोड पर हूँ, वो बंगला नंबर है ना, उसका क्या नाम है? अरे 1719। हाँ उस वाले बंगला। इसका मतलब उसने कुछ गड़बड़ की है। इंस्पेक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, पर मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास आई कहाँ से, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपकी कोई ID या फिर कोई पार्सल बॉक्स जिसमें आपकी डिटेल्स हो वो आपने बाहर फेंका हो। अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं फेंका है। एक मिनट सर, मुझे याद आया, ये स्कैम शायद मेरी वजह से ही हुआ है। आज सुबह डस्टबिन में मैंने एक पार्सल फेंका था। मैं सर आए दिन ऐसे पार्सल डस्टबिन में फेंकती रहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे भी स्कैम हो सकता है। जी मैम, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, अब जो आपके पास पार्सल आते हैं उसके ऊपर आपके नाम, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ होता है और उस इन्फॉर्मेशन से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और इसीलिए मैम इन बॉक्सेस को हमेशा डिस्ट्रॉय करके फेंकना चाहिए, वरना ऐसे स्कैमर्स इससे इन्फॉर्मेशन लेके आपका स्कैम करते हैं। और सर आपके साथ भी यही हुआ है, उस पार्सल से आपका एड्रेस और आपकी डिटेल्स निकाल कर उस स्कैमर ने आपके साथ स्कैम किया। तो सर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपना पैसा वापस ले सकें? सर ये स्कैमर्स लोग बहुत चालाक होते हैं, ये गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और उनके अकाउंट में सारे पैसे मंगवाते हैं और जैसे इनका काम हो जाता है तो अपने पैसे निकाल के फरार हो जाते हैं। अब ये गरीब लोग भी 500,000 रुपए के चक्कर में अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, पर सर हमारी साइबर टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके ऊपर, हो सकता है जल्दी कोई ना कोई उपाय निकल आए, पर सर इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ होता है तो अभी मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। बस सर मैं आप लोगों को इतना ही इत्तला करना चाहूँगा कि अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बाहर मत फेंकिएगा, हमेशा किसी भी पार्सल के पैकेट को डिस्ट्रॉय करके ही बाहर फेंकना। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा इसका, बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ।